ये देखिए जियो टावर है, और यहाँ पे मैं वीडियो देख रहा था तो भाई कुछ लोग गांव कह रहे हैं अरे लालू भाई जियो टावर के नीचे ही वीडियो आज देख रहे हो, क्या बात है। तो मतलब यार लोग कुछ अजीब सोचने लगे, तो मैं कैसे बताऊं भाई आज ब्लॉग बनाने आया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ श्रीवास्तव ब्लॉग। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे गांव में जियो टावर लग गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। उसी जियो टावर का आज स्टार्टिंग है, यानी कि आज से वो जियो टावर चलने लगा है। तो फिलहाल अभी हम सुबह उठे और रात में वीडियो अपलोड किया, मैं सुबह सो रहा था तो हमारे शिवा भाई का फ़ोन आया, बोले जियो टावर चल गया है, अपलोडिंग स्पीड 3 है और डाउनलोडिंग 23 एम बी है। मैं क्या बात कर रहे हो, तो उसी को हम देखने के लिए यहाँ पर आए थे। ये देखिए पीछे जियो लगा हुआ है और हमने वीडियो ओपन किया अपना ही खुद का जो आज अपलोड किया है, और अभी यार ओपन ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या बता रहा है। मतलब यार ये कैसा जियो टावर, इतनी बगल होने के बाद भी नहीं चल रहा नेट। तो फिलहाल अभी चलते हैं, शिवा का आने का वेट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे, थोड़ा डिटेल्स में से बात करेंगे जियो टावर की स्पीड कैसा है कैसे है। तो तब तक के लिए अलविदा। सो गाइज वेलकम अगेन, और मैं 2-3 दिन बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी कि इसकी अपडेट, इस वीडियो की अपडेट 3 दिन बाद आ रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं जियो टावर जो है ये इस वजह से नहीं चल पा रही थी कि सुबह सुबह का समय था, उस समय स्पीड जो जब मेरे शिवा भाई ओपन किए तो बहुत अच्छी आ रही थी, बट उसके बाद पता नहीं क्या दिक्कत हुआ, जब मैं यहाँ पे आया तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो मेरी वीडियो नहीं चल पा रही थी उसके वजह, क्योंकि वहाँ पे मतलब कुछ दिक्कत आ गई थी कुछ इशू। उसके बाद इंजीनियर लोग आए और उन्होंने कुछ देखा, जो इशू था उसको सॉल्व किया, उसके बाद हमने नेट ओपन किया शाम को 4-5 बजे। तो इतनी बढ़िया स्पीड आ रही थी, क्या बताएं भाई, मतलब कि जहाँ पे वीडियो मुझे अपलोड करने पे 1-2 घंटे लग जाते थे, और आज बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। तो अभी आपको थोड़ा टेस्टिंग करते हैं, दिखाते हैं हमारे गाँव की जियो की स्पीड। सो गाइज फाइनली हम लोग आ गए हैं जियो टावर के नीचे, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जियो की स्पीड। कुछ लोग कहते हैं कि दीपक तले अंधेरा होता है, तो आज हम देखेंगे जियो टावर के नीचे क्या स्पीड आती है। देखिए भाई जियो टावर मेरे पीछे ही है, काफी हाई है भाई। और ये जो देख सकते हैं ये है जनरेटर, अगर लाइट चली जाती है तो जनरेटर से चलता है, और अगर लाइट रहती है तो भाई ये लगा है ट्रांसफार्मर, इससे भी चलता है अपना जियो टावर। तो बहुत ही मज़ा आता है भाई, मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो गई है हम जैसे यूट्यूबर लोगों के लिए। हमारे घर से मेरे ख्याल से 200 मीटर दूर है जियो टावर, और बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई। चलिए आपको स्पीड चेक करके दिखाते हैं। सो गाइस अभी हम लोगों ने चेक किया जियो की नेट स्पीड इस टावर के नीचे। बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम यूट्यूबर लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हम लोगों को वीडियोस अपलोड करने रहते हैं तो उसमें स्पीड की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। और मेरे ख्याल से हमने एक बार कहा था, जो इंजीनियर जी यहाँ पे आए थे उनका, भैया अपलोडिंग स्पीड थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, तो उन्होंने बढ़ा दिया है भाई, उसके लिए बिग थम्स अप। सो गाइस मैंने अभी आई बॉट मुंबई का निखिल का एक वीडियो, आई बॉट ए न्यू ऑडी वाला वीडियो देख रहा था, तो गाइस आपको हमारी कुछ वीडियोस में बहुत वीडियो क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिल रही होगी, उसका मेन कारण है भाई ये, जिनका नाम अजय तिवारी है और हमारे सुल्तानपुर के हैं, और हमने इनको अपना सब्सक्राइबर भी बना लिया है। जो आपने पूरी रामला की वीडियोस देखी होंगी, सारी वीडियोस रेडमी Y2 यानी कि भाई के मोबाइल से रिकॉर्ड हुई है, और सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा की भी, और हमारे गाँव में जो नवरात्र में जो हुआ था प्रोग्राम उसका भी, और आज का जो ये है ये भी वीडियो इन्हीं से बन रहा है। मतलब आज जो है रेडमी Y2 का लास्ट दिन है, और फिर मैं अपनी औकात में आ जाऊंगा, यानी कि रेडमी 5A में। इसलिए कहा जाता है ना, चिड़िया कितनी भी उड़ ले आती धरती पे ही है भोजन कर ले, तो वही हाल है मेरा भाई। मैं बहुत रेडमी Y2 से वीडियो बना लिया, अब आ गया हूँ फिर रेडमी 5A में, तो आपको थोड़ी वीडियो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कम मिलेगी। और मेरे ख्याल से रेडमी Y2 का जो वाइड एंगल काफ़ी अच्छा है, इसकी वॉइस क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो मैं नेक्स्ट इन फ्यूचर अगर मेरा यूट्यूब से पेमेंट आता है तो मैं यही मोबाइल खरीदूँगा, काफ़ी अच्छा मोबाइल है भाई।
भाई चश्मा भी ले लिए हैं, मैं भी चश्मा ले लिया हूँ। तो भाई अब चलते हैं, अब आप आज चले जाएंगे, बड़ा दुख हो रहा है। तो भाई भाई को एक बार अलविदा करते हैं। अभी हम लोग खटिया पे बैठे, थोड़ा मीटिंग में थोड़ा बातचीत कर रहे थे। ये देखिए,